73 से 74 75 दिन हो गए हैं लगातार हमारे जो देश के किसान हैं लगातार देश के बॉर्डर पे, दिल्ली की सीमाओं पे, हम कह सकते हैं जो सिंगू बॉर्डर है जो हरियाणा से बिल्कुल टच है, और सेकंड हम टीकरी बॉर्डर है, और थर्ड यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर और अदर बॉर्डर भी थे, शामली और अदर बॉर्डर, जिसको अभी पिछले टाइम में जहाँ पे तादाद कम थी लोगों की, वहाँ पे जो हमारे सरकार की स्टेट के टूल्स हैं, वो हमारी पुलिस हो या आर्मी हो, उसने वहाँ पे लोगों को लाठीचार्ज करके भगाया है। लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ पे जो सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, जो गाजीपुर बॉर्डर है मेन, वहाँ पे लगातार हमारे किसान भाई और बहन लगातार बने हुए हैं। तो किस तरीके से देखती है युवाओं किसे भागते हैं? देखिए लगातार, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे युवा है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के पुरुष सभी किसान के बच्चे हैं, उनके कोई ना कोई बाप दादा हो, किसान से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ किसानों का ही मूवमेंट नहीं है, ये जो कानून है ये पूरी तरीके से देश की आबादी है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वहाँ शहर की आबादी हो, चाहे वो हमारा स्टूडेंट वर्क क्लास हो। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको खरीदना है, हम दिल्ली में रहने वाले हैं, हम शहरी आबादी हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग उसको महंगे दामों पर खरीदेंगे। आज से पहले ऐसी पंचायत में कोई महिला नहीं आई, क्या मजबूरी हुई जो महिला यहाँ पे आई? देखिए लगातार महिला आ रही है, आप सिंगू बॉर्डर पे जाके देखिए, टीकरी बॉर्डर पे जाके देखिए। दिक्कत ये है ना कि महिला को किसान कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि महिला भी एक किसान है, महिला भी उतनी मेहनत करती है खेती के अंदर जितना पुरुष करता है। एक तौर में तो हम देखें तो महिला पुरुष से ज़्यादा किसानी में मेहनत करती है, तो पहले किसानी में महिला को किसान का दर्जा देना पड़ेगा। तो देखिए ना, महिला भी लगातार यहाँ बनी हुई है, अगर महिला आ नहीं रही है तो महिला अपने पुरुष साथी को, अपने भाइयों को खाना बना के दे रही है, तो महिला का भी उतना पार्टिसिपेशन है, चाहे वो घर से हो चाहे यहाँ पे हो, महिला लगातार यहाँ पे बनी हुई है। मुस्कान, जिस तरह से इस आंदोलन से पहले दिल्ली में जो एक आंदोलन हुआ था एनआरसी और सीए को लेकर, उसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया था, क्या आपको लगता है कि इस बार की जो सरकार है, इस समय जो केंद्र में सरकार है और उसके साथ जो विचारधारा है, वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, क्या इस बार उनका दाव चलेगा या आप जैसे जागरूक नागरिक इस जनता को जागरूक कर रहे हैं? देखिए डेफिनेटली सरकार पूरी कोशिश कर रही है, अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किस तरीके से इस मूवमेंट को हिंदू धर्म धार्मिक तरीके से इसको बांटा जाए। लेकिन यहाँ पे जो किसान है, हर एक जो अन्नदाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी इसमें आते हैं। लेकिन किसान जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, जो एक संघी सरकार है, जो एक तानाशाही सरकार है, जो शुरू से ही इसका हम बैकग्राउंड देखें तो जो गुजरात के रॉयल्स दंगे हुए हैं या जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हैं हुए हैं, जो करवाने वाले जो इंस्पॉन्स जो इसको करवाने वाले लोग हैं, वो सारे ये सरकारें ही हैं, ये तानाशाही संघी सरकारें हैं जो देश को एक क्या कहते हैं पूरा हिंदू राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। देखा जाए तो ये हिंदुओं के फायदे के लिए भी काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए जो दलाल क्लास है, जो टाटा है, बिरला, अंबानी, उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि 80% जनता यहाँ परेशान है, 80% जनता यहाँ जो हम नौजवान हैं वो रोजगार के लिए परेशान है। सरकार पीछे नहीं हटी तो क्या करेंगे? सरकार करिए, हम बैकबोन नहीं होंगे। देखिए सरकार तो परेशान है, क्योंकि सरकार का जो एजेंडा था बांटने वाला, जिस तरीके से हम बैकवर्ड में जाके देखें, एनआरसी का मूवमेंट था दिल्ली में लगातार, एनआरसी का यही समय था, जो मुस्लिम जो आबादी है उसको किस तरीके से एक नागरिक का दर्जा ना देना, हमारे संविधान के खिलाफ जाना कि मुस्लिम आबादी में मुस्लिम एक नागरिक है ही नहीं, धर्म निरपेक्षता को उन्होंने बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया, उन्होंने संवाद का जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल बायकॉट कर दिया, मुस्लिमों के खिलाफ किस तरीके से दंगे भड़काए गए। लेकिन जनता समझ रही है, अब जनता समझने लगी कि सरकार जब भी जनता अपने हक की बात करेगी, अगर जनता जब भी अपने मुद्दों की बात करेगी तो ये सरकारें उन्हें धर्म में बांटेंगी। सरकार का प्रोपेगेंडा रहा है कि जितने भी बिल लेकर आई है किसी भी बिल से वो पीछे नहीं हटी है, क्या लगता है कि देखिए ना सरकार क्या करे, सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसमें आप GST देख लीजिए या NRC देख लीजिए या 370, ये सब सरकार बिल लेकर आई है, वो किस तरीके के बिल आप देख लीजिए कि एक तरफ मुसलमानों को कहना कि वो आतंकवादी हैं। अभी हम देख सकते हैं कि किसानों का जो मूवमेंट था जो स्टार्टिंग हुई है वो पंजाब से हुई है, वहाँ के किसान 3-3 महीने तक जो रेलवे है उस पर बैठे रहे, तो उसको भी इन्होंने पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से इनको आतंकवादी बोला जाए,
को खालिस्तानी बोला जाए, और 26 तारीख का जो मूवमेंट था इसमें पूरी की पूरी सरकार की साजिश है। देखिए ना, ये जो लाल किला है, ये बड़ी बड़ी इमारतें दिल्ली में किसने बनाई है? ये हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूरों ने बनाई है। तो ये किसका है? ये किसानों मजदूरों का है। हम लोग यहाँ का जो देश का किसान है, मजदूर है, जो महिला, यह भी लड़ने के लिए पूरी तैयार है। कितनी सरकार है, कितनी पुलिस है, बुला लीजिए आप। पुलिस में भी हमारे ही जो हमारे किसान के बच्चे वो ही तैनात हैं। एक टाइम में वो भी समझ जाएंगे कि उन्हें अपने बाप दादाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ। देखिए, सरकार तो करेगी, वो अभी तो बहुत कम है, वो अपना इतना तानाशाही रूप दिखाएगी कि वो हम लोगों को बाहर खड़ा भी नहीं करेंगे। अभी आपका क्या सोचना है? अगर सरकार सवाल ये है, सरकार करी, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपका क्या प्लान है? हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम दिल्ली की सड़कें के हम लोग अपने घर छोड़ देंगे और सड़कों पर आ जाएंगे, चाहे हमें भूखा मरना पड़े, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि सरकार अपनी ईगो पे आ गई है, सरकार जानती है ये काला जो कानून है, ये कृषि विरोधी कानून है, ये कॉर्पोरेट के हक में कानून है। ये देश की आम जनता को सेंटर में रख के कानून नहीं बनाया गया है, ये देश के किसान मजदूरों के हक में कानून है ही नहीं, ये चंद लोगों, चंद पूंजीपतियों के लोगों के लिए कानून बनाया गया है। ये अंग्रेजों के दलाल है, ये वही लोग हैं। लेकिन इनको जो अफसोसने वाली बात है, जो सरकार है ना, ये किसान और मजदूर, ये सरकार है, ये सरकार जो बैठे ना, ये सरकार नहीं है, ये चाइना इनको हिला भी सकती है।